सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दो हफ्तों से लगातार बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की फिल्म संजू का कब्जा था। यहां तक कि फिल्म 300 करोड़ की जादुई आंकड़े को छूने से कुछ ही कदम दूर है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि संजू की कमाई की रफ्तार ठप हो जाएगी, जिसकी वजह दिलजीत दोसांझ की फिल्म सुरमा है। दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू की फिल्म सुरमा शुक्रवार यानी कि आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। सुरमा भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के बारे में है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे संदीप सिंह ने अपने साथ घटी दुर्घटना के बाद भी खेलने का जज्बा नहीं छोड़ा। फिल्म सुरमा की स्पेशल स्क्रीनिंग गुरुवार देर रात रखी गयी। इस मौके पर आज सभी बॉलीवुड दिग्गजों ने फिल्म की जमकर तारीफ की। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सुरमा रणबीर की संजू की कलेक्शन की रफ्तार पर रोक लगा सकती है। इसकी वजह सुरमा की कहानी के अलावा दिलजीत दोसांझ की पॉपुलैरिटी और तापसी पन्नू की अब तक की किसी भी फिल्म का फ्लॉप ना होना है। दरअसल 29 जून के बाद से बॉक्स ऑफिस पर कोई भी बड़े बजट की फिल्म रिलीज नहीं हुई है, जिसका सीधा फायदा संजू को मिला। हालांकि दूसरे हफ्ते संजू के कलेक्शन में गिरावट जरूर देखी गयी, लेकिन फिर भी धीमी रफ्तार के साथ रणबीर कपूर की संजू 295 करोड़ के करीब कमाई करने में कामयाब रही। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।